डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो के हमने के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बताया जाता है किसके साथ में, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं। तो इसी तरह हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट भी पढ़ते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा। एक अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट हो जाएंगे जिन्हें अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिविंग, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट कह देते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट अलग है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊँ कि नॉन लिविंग फैक्टर में क्या आ सकते हैं, सॉइल आ सकता है, सॉइल को एडाफिक फैक्टर भी कहा जाता है। सॉइल को क्या कहा जाता है, एडाफिक फैक्टर। एडाफिक का मतलब क्या होता है, सॉइल से होता है बेटा, क्या होता है, सॉइल भी, सॉइल किस तरह की है, वहाँ पे कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, कैसे किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे, तो ये सारे फैक्टर क्या कहलाया जाता है, नॉन लिविंग फैक्टर कहलाया जाता है। हम इसमें टेम्परेचर की भी बात करते हैं, इसके अंदर ह्यूमिडिटी की भी बात करते हैं, वाटर भी आता है एक नॉन लिविंग फैक्टर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, लाइट आता है, इंटेंसिटी भी अलग अलग प्लांट, अलग अलग लाइट इंटेंसिटी भी होते हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, एबायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एबायोटिक। बस आपको याद रखना है कि एबायोटिक फैक्टर कौन से होंगे। जो हमारा मेन आता है बेटा इसके अंदर, वो क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या चीज़ आती है बेटा हमारे पास में यहाँ पे, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो इम्पॉर्टेंट है। बायोटिक का मतलब हमने क्या कहा, लिविंग कंपोनेंट का। तो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट आते हैं लिविंग, इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर के अंदर अंदर, सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा गया है, कंज्यूमर्स कहा गया है, एंड क्या कहा गया है, डिकम्पोजर्स कहा गया है। इम्पॉर्टेंट बेटा, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहे, अगर आप मानोगे नहीं, इस वाले चैप्टर से, आवर एनवायरनमेंट से 2018 NTSC में तीन क्वेश्चन दिए हुए थे। हालांकि जो एक क्वेश्चन वो इससे भी रिलेट कर रहा था, वो फोटोसिंथेसिस से भी रिलेट कर रहा था, तो प्रोड्यूसर और कोर कुछ नहीं है, प्लांट्स ही है बेटा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, इसको हम जो ईजी चैप्टर होते हैं ना, उसे मोस्टली इग्नोर कर जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है, बहुत ईजी चैप्टर आता है ये। तो प्रोड्यूसर होते क्या है, इनका बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन आता है, बेटा प्रोड्यूसर एंड देयर फंक्शन भी आते हैं सबके पास में, ठीक है। प्रोड्यूसर हमने क्या कहा, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन ट्रॉफिक, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म हो गए, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खुद फूड बनाएंगे, और इसके अंदर मेनली लिए जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स लिए जाते हैं बेटा। क्या लिए जाते हैं, फोटोट्रॉप्स, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं, और उन्हें हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कह रहे हैं। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बना रहे हैं, ठीक है ना, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, फंक्शन यही हो गया, विच प्रिपेयर द फूड फॉर हेटरोट्रॉप्स, यदि कोई भी हो तो उन्हीं से फूड बनेगा, मेन फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्या बना रहे बेटा, ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बना रहे हैं। अगर मैं एक नॉर्मली बात करूँ, एवरी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। फिर ग्रास ने फूड बनाया, ग्रास को कौन खा गया, एक डियर खा गया, डियर को कौन खा गया, एक लॉइन खा गया, हालांकि डियर, लॉइन इज अ कार्निवोरस है, ठीक है, लेकिन डियर ने क्या खाया था, घास खाई थी, तो इसने इनडायरेक्टली इसे कंज्यूम किया है, ठीक है, और ये क्या हो गया, डायरेक्टली कंज्यूमर हो गया। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं बेटा ये,
किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। तख्ताजान नाम के एक साइंटिस्ट थे, टैक्सोनॉमिक्स थे तख्ताजान। इन्होंने क्या कहा था कि ग्रास इज फ्लैश इज ऑल फ्लैश इज ग्रास, कि सारी की सारी फ्लैश क्या है? घास है, ग्रास है। क्यों है? ग्रास अभी ग्रास को कौन खाएगा? डियर, डियर को कौन खा जाएगा? लायन खा जाएगा। फिर डियर का अगर उसको घास नहीं मिलती तो क्या होता? क्या डियर रहता है? नहीं तो लायन क्या करता? तो इस तरह से एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करेंगे, यही वो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पर, फोटो ऑटोट्रॉप्स ही वो ऑर्गेनिज्म है। दीज आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी। सबको फोटोसिंथेसिस जो है ना वो बिल्कुल एज इट इज, वही थोड़ी सी चीज करवानी है इसके अंदर। जो सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी। और किसकी फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड। भाई आपको सब बताइए क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कैसा हो गया? ऑर्गेनिक फूड। और कौन से मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है? इन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यही वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर। सो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन आता है विच वन आर नॉन एज, सो प्रोड्यूसर आर ऑल्सो नॉन एज कन्वर्टर्स। क्या कहा जाता है इन्हें? कन्वर्टर्स कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। ये चीजें याद रख लेना है कि विच बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज नॉन एज कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर। और यही वो एक ऑर्गेनिज्म है तो इस अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं। क्या करेंगे? बैलेंस करने में रोल प्ले करते हैं। सबको पता है प्लांट है, प्लांट किसको अब्सॉर्ब कर लेगा? CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है और बदले में क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो इस अर्थ के ऊपर CO2 एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये प्रोड्यूसर ही रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोड्यूसर क्या हुए? प्रोड्यूसर आर द ऑटोट्रॉप विच प्रिपेयर द फूड फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द, मतलब किसके अंदर कर रहे हैं बेटा? ऑर्गेनिक फूड जो कार्बोहाइड्रेट बना उसी के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। हम हर ऑर्गेनिज्म उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमने बात कहा था एक्स के फंक्शन में, सेकंड फंक्शन हम क्या कहेंगे? द बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑन द अर्थ। ओके बेटा, और यही वो है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं इन्हें। ओके बेटा, अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज, अन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कल हमने दो इकोसिस्टम बताया, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बताया था और एक हमने क्या कहा था? एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। बेटा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर जो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रूटेड प्लांट्स होते हैं। रूटेड प्लांट में ग्रास जो भी है, ग्रासेस है, ट्रीज है, हर्ब्स है, श्रब्स है, वो सारी चीजें होंगे जो मेन प्रोड्यूसर होंगे। बट इन एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर एल्गी होगी और वो मेनली क्या कहलाई जाएगी? फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो थोड़ा सा ये भी याद रख लेना, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच वन एक्ट एज अ मेन प्रोड्यूसर्स। एल्गी होती है आपको पता भी कम होगी, पानी होगी वहीं पे एल्गी होगी। तो यहाँ पर जो मेन होता है वो रूटेड प्लांट्स होंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। तो ये हमने किसके बारे में बात की है? प्रोड्यूसर के बारे में बात की है। ओके बेटा, क्लियर है ना सारे बच्चों को? तो प्रोड्यूसर हमने क्या कहा? जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है। और कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस करेगा बेटा? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है, ये कौन हो गए हैं? प्रोड्यूसर्स हो गए। क्लियर बेटा सारे बच्चों को? फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर मतलब विच कंज्यूम द फूड, जो फूड को कंज्यूम करते हैं। और ये मेनली क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होंगे बेटा।
क्या होंगे? हेटरोट्रॉप्स। आपने हेटरोट्रॉप्स को तीन टाइप में डिवाइड किया होगा, एक आपने पढ़ा होगा सेप्रोट्रॉप्स पढ़ा होगा, एक आपने क्या पढ़ा है पैरासिटिक पढ़ा है, और एक आपने किस में पढ़ा है होलोजॉइक के अंदर पढ़ा है बेटा, पढ़ा है ना होलोजॉइक। तो हम यहाँ पे जो हेटरोट्रॉप्स लेते हैं ओनली होलोजॉइक को लेते हैं, इन दोनों को नहीं, क्योंकि सेप्रोट्रॉप्स तो किसके अंदर आ जाएंगे डिकम्पोजर्स के अंदर आ जाएंगे, पैरासिटिक को भी नहीं लिया गया है किसी के अंदर, अलग ऐड किया गया है वो भी कंज्यूमर की डाइट में बट नॉट, ठीक है। मेन जो हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर्स आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, होलोजॉइक आएंगे, क्या आएंगे यहाँ पर होलोजॉइक आएंगे। होलोजॉइक का मतलब क्या होता है, द एनिमल विच टेक देयर फूड बाय एनी ओपनिंग, जो किससे खाना लेते हैं किसी ओपनिंग से खाना लेंगे, हम किसके अंदर आता है होलोजॉइक। और होलोजॉइक में भी आपने डाइट पढ़ी है हर्बीवोरस कार्निवोरस ओमनिवोरस पढ़ी है, तो यहाँ मेनली हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस ही लेते हैं। ओमनिवोरस को एक फूड चेन के अंदर हम नहीं करते हैं, फूड चेन बनाए भी कौन किसको क्या खा रहा है, ओके। तो ध्यान देने यहाँ पे होलोजॉइक है बेटा, और अपने और होलोजॉइक मतलब किसी चीज से खाना खा रहे ईटिंग कर रहे हैं, तो इन्हें हम फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्या नाम देंगे ना हम, फैगो, फैगो मतलब होता है टू ईट खाना, फिर हम खाना तो खाएंगे यहीं से माउथ से खाएंगे ओपनिंग से खाएंगे, तो इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं फैगोट्रॉप्स भी नाम देते हैं। कंज्यूमर्स को हमने क्या कहा फैगोट्रॉप्स, और इसके अंदर हम मेनली जो लेते हैं वो क्या लेते हैं हर्बीवोरस लेंगे, और क्या लेंगे बेटा कार्निवोरस कर लेते हैं, ओमनिवोरस को नहीं, क्योंकि हम एक फूड चेन बनाएंगे। इमेजिन करो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, हालांकि हम एक हमने क्या कहा ग्रास है, ग्रास को कौन खा गया, ग्रास ओपर खा गया, ग्रास ओपर को कौन खा गया एक फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को कौन खा गया एक स्नेक खा गया, और स्नेक को कौन खा गया एक ईगल खा गया, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने सारे के सारे कार्निवोरस ही ले लिए। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, इमेजिन करो ग्रास है, ग्रास को कौन खा गया गॉट, और गोट को कौन खा गया यहाँ पे ह्यूमन बींग्स खा गए, तब ये मत कह रहे हम ह्यूमन बींग्स को तो ओमनिवोरस मानते हैं, प्लांट भी खाता है ये भी खाता है, लेकिन आप इस अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन, अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन ह्यूमन बींग क्या खा रहा है गोट खा रहा है, यहाँ पे ये क्या है कार्निवोरस है, तो हम यहाँ ओमनिवोरस नहीं लिखते क्योंकि हम एक फूड चेन बनाते हैं। क्या होती है फूड चेन हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो याद रखना। तो यहाँ पे हम मेनली क्या लेंगे बेटा कार्निवोरस लेंगे, और एक चीज मेरी नोट करना, आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे किस तरह से पूछेंगे, एक फूड चेन देंगे ठीक है, उस फूड चेन में इसमें हर्बीवोरस कौन सा कंज्यूमर कहलाया जाएगा, फ्रॉग कौन सा कंज्यूमर के, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं बेटा। तो ग्रास को हमने क्या कह दिया एक प्रोड्यूसर कह दिया जो फूड बना रही है, और ग्रास ऊपर पहला कंज्यूमर हो जाएगा, तो इसे हम क्या नाम देते हैं फर्स्ट कंज्यूमर कह देते हैं, इसे हम क्या कह देंगे सेकंड कंज्यूमर, इसे हम क्या कह देंगे थर्ड, और इसे हम क्या कह देंगे टॉप कंज्यूमर या फोर्थ कंज्यूमर भी कह देते हैं ठीक है। और ऐसे ऊपर कोई भी नहीं जिसे टॉप भी कह देंगे या फोर्थ कंज्यूमर भी कह देंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें भी ग्रास ओपर ने ग्रास खाई है तो ये क्या कहलाया जाएगा हर्बीवोरस कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या एक्ट करता है फर्स्ट कंज्यूमर एक्ट करता है, क्या एक्ट करेगा फर्स्ट कंज्यूमर हमेशा। अगर हम नॉर्मली इस तरह की कोई फूड इन अ गिवन फूड चेन मिलेगा, प्लांट से ही शुरू होती है फूड चेन, तो फर्स्ट कंज्यूमर हमेशा क्या होंगे हर्बीवोरस होंगे। या हमने ये सारे अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन, ये भी मांस खा रहा है, ये इसका मांस खा रहा है, ये इसका मांस खा रहा है, तो सारे के सारे कार्निवोरस है। तो ये वाला जो कार्निवोरस वो क्या कहलाया जाएगा प्राइमरी कार्निवोरस कहलाया जाएगा, ये सेकेंडरी कार्निवोरस कहलाया जाएगा, ये टर्सरी कार्निवोरस भी कह देंगे, या इसके ऊपर कोई नहीं है जिसे हम क्या भी कह देंगे टॉप कार्निवोरस भी कह देंगे, इसको अलग अलग अभी फोर्थ कंज्यूमर भी कह देंगे, या हम टॉप क्योंकि लास्ट वाले से ऊपर कोई नहीं दिया हुआ है, तो गिवन फूड चेन के अंदर। और हम एक फूड चेन में चार या पांच ही लेवल रखते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसे हमने क्या नाम दिया टर्सरी या टॉप कार्निवोरस। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इन अ गिवन फूड चेन, कोई भी एक फूड चेन एक्स वाई जेड आपको दी हुई होगी, उसके अंदर आपसे पूछेंगे टर्सरी कंज्यूमर कौन सा होगा, तो कंज्यूमर हमेशा यहीं से स्टार्ट हर्बीवोरस से स्टार्ट हो गए, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी और ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। फिर पूछेंगे टर्सरी या सेकेंडरी कार्निवोरस कौन से टाइप का कंज्यूमर होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये भी कार्निवोरस, ये भी कार्निवोरस, सेकेंडरी थर्ड कंज्यूमर हो गया। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ओके बेटा क्लियर है सारे बच्चों को। और हर्बीवोरस एक ऐसे एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस आर दोज विच
कन्वर्ट प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर। कौन से ऐसे कंज्यूमर है जो किसको प्लांट प्लांट नहीं सीखा, बाकी तो सारे फ्लेश सीखा रहे, तो प्लांट मैटर को एक एनिमल मैटर के अंदर इन्होंने कन्वर्ट किया है। और एल्टोन नाम के एक इकोलॉजिस्ट ने इन्हें क्या नाम दिया था, हर्बीवोरस को की इंडस्ट्री एनिमल कहा था बेटा। क्या कहा था? की इंडस्ट्री एनिमल कहा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच वन नॉट एस की इंडस्ट्री एनिमल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? हर्बीवोरस या फर्स्ट कंज्यूमर हो जाएगा। क्लियर है? नॉर्मल बेटा कंज्यूमर को हमने क्या कहा, फैगोट्रॉप्स हम इसमें ले रहे हैं, जो खाने को खा रहे हैं, मतलब मेनली हम होलोजोइक एनिमल्स को लेते हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड, थर्ड जो भी है एक फूड चेन के अंदर वो, और फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोरस इनकी प्लांट खा रहा है, यही प्लांट मैटर को एनिमल मैटर के अंदर कन्वर्ट करता है, इसलिए एल्टोन ने इसको क्या नाम दिया था, की इंडस्ट्री एनिमल कहा था। बाकी सेकेंडरी कंज्यूमर तो प्राइमरी कार्निवोरस कहलाया जा रहा है, थर्ड कंज्यूमर तो सेकेंडरी, टॉप तो ये टर्सरी, ठीक है। इसको थर्ड तो आपको टॉप कुछ भी दिख दिया होगा तो इसको ध्यान देना है आपको। क्लियर बेटा सारे बच्चों को? तो इसका अगर हम फंक्शन बात करेंगे भी, कंज्यूमर का क्या फंक्शन है, तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एक मैटर को, एक फूड को एक से दूसरे के अंदर जा रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है भाई फूड, एक निखाए जिसने जितना यूज करना होता उतना यूज कर लेता है, बाकी का ट्रांसफर कर देता है, और एनर्जी भी होती है यहाँ पे, तो फूड और एनर्जी को पास करते हुए चले जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट। फूड चेन के फंक्शन होते हैं हम वही यहाँ पे लिखेंगे, फूड चेन में आपको करवाऊंगी, यहाँ पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम क्या कहेंगे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं दे ट्रांसपोर्ट फूड एंड एनर्जी, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो दे मेंटेन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाते हैं, हम सब फूड चेन के अंदर करवाएंगे तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अ फूड चेन, अकॉर्डिंग टू अ फूड चेन। तो इस चीज के ऊपर फोकस रखना है। ओके बेटा, तो ये हमने क्या कहा, कंज्यूमर मतलब फैगोट्रॉप्स का जो फूड को कंज्यूम करेंगे, होलोजोइक की लेंगे बेटा इसके अंदर हर्बीवोरस कार्निवोरस हम लेते हैं, ग्रास ग्रास ऊपर फ्रॉग्स ने की गली, सारी चीजें हमने बात की नॉर्मल बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो ये है फर्स्ट कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोरस है, और ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, किसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कि इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहा गया। अगर इनके फंक्शन आते हैं तो हम क्या कह देंगे बेटा, इनके फंक्शन में मेनली कि फूड को ट्रांसफर कर रहे हैं किससे, एनर्जी को फ्रॉम वन टू नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, और सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? और लास्ट में आता है डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स मतलब जो फूड को, इन्हें आप मेनली क्या नाम दे रहे हैं, सप्रोट्रॉप्स कह रहे हैं, विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। ये प्लांट है, ये कोई एनिमल इसको खा रहा था, मर गया, प्लांट का कोई पार्ट मर गया, एनिमल मर गया, ठीक है, और इन सब का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा बेटा, डिकम्पोजिशन होगा, और ये कौन करेंगे, डिकम्पोजर्स करेंगे, कौन करेंगे, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमेशा कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गए या फंगस ही होते हैं मोस्टली, तो इसलिए इन्हें हम क्या भी नाम देते हैं, माइक्रो कंज्यूमर भी कह देते हैं बेटा, ठीक है। इन्हें हम सप्रोट्रॉप्स को क्या भी नाम दे देते हैं, माइक्रो कंज्यूमर भी कह देते हैं। और ये क्या करते हैं, देखो अगर मैं नॉर्मल बात कर रही, प्लांट था, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए क्या लिया, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए, सोइल से लिए अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्लांट से वो न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए, एनिमल्स के अंदर चले गए, प्लांट भी मर गया, एनिमल भी मर गए, इमेजिन करो, प्लांट में कोई पार्ट टूट के गिर जाता कोई, ठीक है, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी उसकी, तो दोबारा से न्यूट्रिएंट कहाँ आके मिल जाएंगे, सॉइल में। जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे मेनली मेंटेन द न्यूट्रिएंट साइकिल
इस अर्थ के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए कौन क्या किसका रोल होता है, डिकम्पोजर्स का रोल होता है बेटा। क्या होता है डिकम्पोजर्स का, और इसे हम क्या नाम देते हैं, मिनरलाइजेशन कहेंगे, कि मिनरल्स को दोबारा से ऐड कर देना सॉइल के अंदर, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, मिनरलाइजेशन कहलाएंगे। डेड बॉडी मर जाती है, वो डिकम्पोज होती है, तो क्लीन एनवायरमेंट करने में भी हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, फंक्शन पूछते बेटा, ये एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर्स को हम रिड्यूसर भी कहते हैं, ध्यान देना, क्या कहेंगे इसे हम, रिड्यूसर्स भी कहेंगे, बिकॉज इन्होंने मिनरल्स को जो मर गए थे डिकम्पोजिशन होने के बाद सारे मेटल दोबारा से रिड्यूस करके किसके अंदर डाल दिया है, सॉइल के अंदर। सो दीज आर ऑल्सो नॉन एज द रिड्यूसर, क्या कहलाए जाएंगे, रिड्यूसर। डिकम्पोजर में सैप्रोट्रॉप्स आएंगे जो डेड एंड डिकिंग मैटर को खा जाते हैं, और क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज करेंगे उसे। ये माइक्रो छोटे ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में होते हैं, इसलिए माइक्रो कंज्यूमर कहा जाता है। बैक्टीरिया एंड फंगस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब मिनरलाइजेशन करते हैं, और ये ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। क्लियर है बेटा, छोटा सा है बिल्कुल, हालांकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे पास में, ठीक है बेटा। सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए हैं। तो देखो अब हमने क्या कहा, यहाँ पे दो कंपोनेंट पढ़े हमने इसके अंदर मेनली, कितने कंपोनेंट पढ़े बेटा हमने इसके अंदर, दो कंपोनेंट पढ़े, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट हमने बात की। अब हम तीनों को ना डिफरेंस के साथ में करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहले हमने क्या कहा है, मेन हमें पढ़ना है बायोटिक कंपोनेंट ही। पहला हमने क्या कहा, प्रोड्यूसर, ठीक है, अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। दूसरा हमने क्या कहा, कंज्यूमर्स, एंड थर्ड हमने क्या कहा, डिकम्पोजर्स का, ठीक है। प्रोड्यूसर को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, ऑटोट्रॉप्स नाम दिया था। इसे हमने मेनली क्या नाम दिया था, फैगोट्रॉप्स, क्योंकि होलोजोइक आएंगे, इसे हमने क्या नाम दिया था, फैगोट्रॉप्स, और इसे हमने क्या नाम दिया था, सैप्रोट्रॉप्स नाम दिया था, ठीक है। इन्हें ऑटोट्रॉप्स क्यों कहा था, बिकॉज दे प्रिपेयर द फूड, और मेनली फोटोट्रॉप्स होते थे, कौन सी फॉर्मेशन से करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं बेटा। तो कौन से मैटर को, इनऑर्गेनिक मैटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड, आपको सबको फोटोसिंथेसिस बताया, CO2 वाटर इनऑर्गेनिक थे, और किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट किया, जो कैसा मैटर हो गया था, ऑर्गेनिक मैटर हो गया था। ये क्या होता है, सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी के अंदर। इसीलिए क्या नाम दिया गया था, कन्वर्टर्स कहा गया था, और क्या नाम दिया गया था बेटा हमने इसे, कन्वर्टर्स कहा गया था, और क्या नाम दिया था हमने इसे, ट्रांसड्यूसर कहा था। क्लियर है ना सारे बच्चों को। फैगोट्रॉप हमने क्या कहा था, जो कंज्यूम करेगा फूड, और यहां ने मेनली क्या लिया था, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस हमने क्या कहा था, प्राइमरी फर्स्ट कंज्यूमर कहा था, ये क्या हो जाएंगे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सोन हो जाएंगे। ऐसे अगर हम बात करेंगे, जो कार्निवोरस होगा या हमारे ये इधर से होगा, तो हमने क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस एंड सोन हो जाएंगे। और हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो किसको, प्लांट मैटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एनिमल मैटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फूड चेन दी होगी, उसमें पूछेंगे आपसे हर्बीवोरस क्या है, अपने हिसाब से नहीं पूछे भी, कोई भी हर्बीवोरस का नाम होता तो कोई भी नाम बता सकते हो। फिर ग्रासलैंड में आपने डियर बता दिया, गोट बता दिया, कोई बता दिया आपने, तो आपको गिवन फूड चेन मिलेगी। इन अ गिवन फूड चेन, जो सभी मैंने बताई थी, ग्रास ग्रास ऊपर, या ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग, जैसे कि ग्रास है उसको कौन खा गया, गोट है गोट को कौन खा गया, ह्यूमन बींग खा गया, तो इस तरह से आएगा, प्लांट मैटर एंड द एनिमल मैटर आ गया। तो इसे क्या नाम दिया गया, की इंडस्ट्री एनिमल कहा गया है, और किसने कहा इसको, एल्टॉन ने कहा, ओके बेटा। और सैप्रोट्रॉप अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे फूड, किसको, फूड को, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर ही कन्वर्ट कर देते हैं। इन्होंने इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, ही ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक ही कन्वर्ट करते रहते, बट इन्होंने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया,
इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया था, रिड्यूसर्स कहा गया था। क्या नाम दिया गया था, रिड्यूसर। इन्हें कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर्स कहा गया था। और इन्हें क्या कहा गया था, प्लांट मतलब कि इंडस्ट्री एनिमल कहा गया था। इन्हें हम क्या भी नाम देते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होते हैं, तो क्या भी कहेंगे इन्हें हम, माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहेंगे बेटा। ठीक है, आगे ना मेरी बात समझ में। अब इनके सबके फंक्शन हम बात कर लेते हैं। ये क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर द फूड फॉर एवरीवन। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रिपेयर किया। दूसरे अगर हम बात, फूड की फॉर्म में एनर्जी होगी। दूसरे अगर हम बात करेंगे, बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को, बैलेंसिंग करता है ये एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है बेटा। और टेरेस्ट्रियल में रूटेड प्लांट्स होते, थोड़ा ये भी दिमाग में रख लेना, फाइटोप्लैंक्टन एक्वेटिक में हो जाएंगे। इसका फंक्शन अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे फूड एंड एनर्जी को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और सेकंड अगर हम बात करेंगे, दे बैलेंस द इकोसिस्टम। ठीक है ना, एक कोई भी गायब हो जाता है तो अफेक्ट होता है उस एक ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको फूड चेन में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और इन्हें हमने क्या नाम दिया था, इसका फंक्शन अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करेंगे, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मिनरलाइजेशन कहा था। ओके बेटा। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, मिनरलाइजेशन होता है। और एक अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा, भाई कोई मर जाता है डिकम्पोज होने के बाद, वास्ते खत्म हो गया, अगर लेस होना हो तो धीरे धीरे हमें सारे कहीं डेड बॉडीज दिखाई दे, तो वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। दे क्लीन द एनवायरमेंट। तो ये फैक्टर याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको कन्वर्टर ट्रांसफर का एक क्वेश्चन बन रहा है मेन, कि कौन भी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, कौन इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कर रहा है। ठीक है, कौन इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कर रहा है डिकम्पोजर, कौन ट्रांसफर कर रहा है, तो कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ओके बेटा। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट और आपके एनटीएससी पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, वहीं की उसी के अंदर फूड चेन एनर्जी फ्लो वगैरह आएगा। ठीक है, ओके बेटा।